साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे बात करने वाले थे भाई। बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट में मैसेज आ रहे हैं, सर क्या होगा, कैसे होगा, उस कंट्री का वीज़ा कैसे मिलेगा, फलानी कंट्री का वीज़ा कैसे मिलेगा, वीज़ा मिल गए, मिलने स्टार्ट हो गए, टिकट मतलब वगैरह वगैरह जो भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रही हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। कुछ जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हर रोज़ अच्छी अच्छी जानकारी आपको विदेश से रिलेटेड इसी चैनल पर मिलती रहे। साथ में नोटिफिकेशन भी साथ में ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो नया डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए अपन आज शुरुआत करते हैं इंडिया से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के साथ ये क्वेश्चन होते हैं कि सर फलानी कंट्री का फ्लाइट चालू हो गई क्या, या फिर वीज़ा कब से मिलेंगे, या फिर टिकट कब से होगी, उधर से इधर आना, इधर से उधर जाना है, लोगों को वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं वगैरह वगैरह प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं सर मलेशिया का काम चालू हो गया, सर दुबई का वीज़ा चालू हो गए, सर फलानी कंट्री का चालू हो गया। तो भाई देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, ये आपके लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि इंडिया के हालात आपको पता है कैसे हैं। इंडिया में अब तक लगभग 80 लोगों की आज की डेट, साथ में स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, लगभग 79 यानी लगभग 80 के करीब डेथ हो चुकी हैं कोरोना वायरस से, ठीक है साथियों। इसके साथ में लगभग 3400-3500 के करीब अभी पॉजिटिव पाए गए इंडिया में, यानी दिन प्रतिदिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी लॉकडाउन की लास्ट डेट थी 14 अप्रैल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 14 अप्रैल के बाद कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप सोच नहीं सकते, हालात ख़राब हैं। तो मैं बता दूं, मान लीजिए आप दुबई स्टार्ट हो जाता है, या फिर बहुत सारी कंट्रियां हैं जो रिकवर कर रही हैं अपने आप को, जैसे छोटी छोटी कंट्रियां, उन्होंने गवर्नमेंट ने उस पर कंट्रोल कर लिया है, तो हो सकता है वो अप्रैल में या अभी स्टार्ट हो जाएं, वो वीज़ा भी स्टार्ट कर दें। तो आपको क्या लगता है आप इंडिया से कैसे जाओगे भाई? ये दुआ करो ऊपर वाले से कि जब इंडिया में सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि इंडिया में सब कुछ सही होगा तभी यहाँ की गवर्नमेंट रिस्टार्ट करेगी पूरे सिस्टम को, जिसमें आप इमिग्रेशन मान लो, ऑफिस मान लो, अपन विदेश से रिलेटेड है तो विदेश से रिलेटेड बात करेंगे, वीज़ा टिकट इमिग्रेशन वीज़ा स्टाम्पिंग वगैरह सब क्लोज है। तो मान लीजिए आप सब कंट्रियों ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन इंडिया की स्थिति सही नहीं हो रही है, तो इंडिया उसको रीओपन नहीं करेगा तो आप विदेश कैसे जाओगे? नहीं जा सकते ना। सब लोगों का एक ही मैसेज है, इंडिया में अब सिस्टम को सुधार, ये कोरोना वायरस में सुधार आना जरूरी है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है, उम्मीद है 15 तारीख तक, इसमें ये मान लीजिए 24 घंटे का आंकड़ा होता है, इसमें जैसे अभी 200 लोग 24 घंटे में पॉजिटिव आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे कम होते होते, अगर कम होते रहेंगे ना तो ये मान लीजिए कम होने की चांसेस रहेंगे, अगर बढ़ते रहे तो मान लीजिए भाई गड़बड़ है, इटली और वो स्पेन वाला हालात होने की संभावना हो सकती है। तो शॉर्ट में मैं बता दूं कि विदेश जाने वाले अपने जो बंदे हैं आप टेंशन मत लें, अप्रैल भाई पूरा लगेगा, आप चाहे किसी भी कंट्री में जा रहे हो, मेरी जहाँ तक सोच है अप्रैल में आपका कुछ नहीं होने वाला, मई में फर्स्ट में आपका कुछ हो सकता है, अगर इंडिया में हालात कोरोना वायरस का ठीक रहा तो, और ये ज़्यादा तीव्र गति से नहीं बढ़ा, इसमें गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल भाई गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल तो अपने को करना होता है। अपन अगर घर पर रहेंगे सेफ रहेंगे तो अपने पड़ोसी सेफ रहेंगे, अगर अपन ही बाहर निकलेंगे तो अपने घर वाले तो ख़राब होंगे ही होंगे, वो अपन तो बीमार होंगे होंगे, उनको और ले बैठेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे ये कर रहा हूँ कि सेफ रहें, घर पे रहें, अप्रैल तक कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं इधर उधर जाके, वो कोशिश भाई कुछ नहीं होने वाला, अप्रैल तक कुछ नहीं होने वाला, सब कंट्रियों के स्टार्ट हो जाएं, जब तक इंडिया के हालात सही नहीं होते आपका काम नहीं होगा किसी भी कंट्री से रिलेटेड, ये मान लीजिए आप समझ गए बात को। तो ऊपर वाले से दुआ करें, सेफ रखें, जो भी गवर्नमेंट अपने को दिशा निर्देश देती है, पुलिस प्रशासन दिशा निर्देश, उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो अपन खुद मारे जाएंगे, और दुनिया के एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इसमें ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल भाई लोग, आप लोग घर पे बैठे हो पूरे दिन मोबाइल पे बिजी रहते हो, आपको पता ही है पूरे दिन ऑनलाइन देखते रहते हो कहूँ पे कितना क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको पता ही है। शॉर्ट में बता दूँ कि कुछ नहीं, अप्रैल पूरा लगेगा, घर पर आराम से बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला, एजेंटों को कॉल कर रहे हो आप, उधर कॉल कर रहे हो, मेरे पास भी दिन में मैसेज आते रहते हैं, तो मैंने सोचा सबको एक वीडियो के माध्यम से आंसर दे दिया जाए, सबको देना असंभव है। तो भाई किसी भी कंट्री का, कोई भी कंट्री चेक कर ली, स्टार्ट कर दे वीज़ा टिकट जॉब, लेकिन इंडिया का जब तक कुछ नहीं होगा, इंडिया सही सलामत इस तरीके से इस बीमारी से, इस वायरस से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक आपका कहीं कोई कंट्री का काम नहीं होने वाला। तो ऊपर वाले से दुआ करो, खुद भी बचो दूसरों को भी बचाओ इस बीमारी से, ताकि जल्दी से जल्दी अपना देश
स्टार्ट रिस्टार्ट हो सके, दुनिया अपने कामकाज में दोबारा से लग सके, वरना भाई गरीब लोग मारे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।